मैं भी खड़ी हूँ जमजम टावर में और ये P4 है और यहाँ पे सामने एक बहुत अच्छा हाइपरमार्केट है, अबराज हाइपरमार्केट। और इसके अंदर जाते हैं और इसको देखते हैं इसमें क्या मिल रहा है, कैसा मिल रहा है। हाइपर से मुझे हमारा हाइपर स्टार याद आ गया, लेकिन ये हाइपरमार्केट है। और मैं आपको इसका बैग देखते हैं कि क्या मिल रहा है, कितने का मिल रहा है। यहाँ कुछ ऑफर्स भी लगी हुई हैं, सेल लगी हुई है, लेट्स सी कि क्या सेल है और क्या कितने का मिल रहा है। यहाँ खाने की चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं और डोनट्स ये अच्छे रेट में मिल रहे हैं, 6 रियाल्स के हैं 6। केक्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, कुनाफा नहीं, ये बुसबुसा है या कुनाफा है, आई डोंट नो, कुनाफा बुसबुसा, ओके ये बुसबुसा है और कुनाफा। हाँ कुछ अनाउंसमेंट हो रही है, आई डोंट नो कि क्या बोल रहा है, लेकिन बहरहाल ये कुछ बिस्किट्स हैं। ये जायनमाज की सेल है कि 40 रियाल्स की थी और अब 21 रियाल्स की मिल रही है और बहुत अच्छी क्वालिटी की है बिस्किट्स। तकरीबन हर चीज़ पे जो है इन लोगों ने कुछ कुछ सेल लगाई हुई है और देखते हैं आगे और क्या मिल रहा है। This one is 24 reals. Okay. Kit Kat 30 reals में ये मिल रहा है, इसमें 15 pieces हैं और ये 30 reals का है। और ये 31 reals की हैं पूरा पैक, ये 1 kg का है, ये 1 kg का, ये 1 kg नहीं है, ये 2.5 kg है। आप देख सकते हैं शायद कि बहुत बहुत ह्यूज जो है वो है। और चलते हैं आपको भी दिखाते हैं क्या और क्या क्या मिल रहा है। ओट्स मिल रहे हैं और ये ओट्स हैं 9 रियाल्स 10 रियाल्स के, अच्छे हैं ले सकते हैं। अभी सिर्फ दिखाते हैं आपको और फिर इंशाल्लाह कुछ पाकिस्तान के लिए, फैमिली के लिए और कुछ अपने लिए लेते हैं। ल्यूना मिल्क है 5 रियाल्स का और ये है 1 gram नहीं लिखा होगा, ये 410 gram का, 4 रियाल 73 हलाला, लेकिन 5 रियाल्स का ही हो जाता है। आगे चलते हैं, यहाँ से रास्ता बंद है, यहाँ से भी बंद है, दोनों के रास्ता खुला कहाँ से। चॉकलेट्स 71 रियाल्स का, ये सिर्फ एक पैक है, अच्छी भी होंगी बहुत टेस्ट वाइज। गैलेक्सी 19 रियाल्स का है, उसके अंदर 20 बार्स हैं, 90.90 तो 20 रियाल्स ही हो गया। ये 18 रियाल्स की थी, 12.5 रियाल्स का मिल रहा है और ये बहुत मज़े का होता है, ये जो लूज में मिलता है वैसा मैंने टेस्ट किया था।
ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी है, इसका तो रास्ते भी अलग अलग हैं। क्या मुझे लग रहा है कि मैं तो दोबारा से एंट्रेंस पे आ गई हूँ। आप जब भी उम्रा पर आए आपने लाजमी मेरिंडा सिट्रस ट्राई करनी है, इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। और जब से मैं यहाँ आई हूँ हर खाने के साथ, इवन पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती, लेकिन यहाँ मैं बहुत कोल्ड ड्रिंक पिया हर खाने के साथ। और ये बहुत मज़े की चीज़ें मिल रही हैं, मैं तो पता नहीं कहाँ चल चल कर कहाँ आ गई हूँ। दोबारा से उसी तरफ आ गई हूँ, अब मैं दूसरी तरफ जाती हूँ तो फिर दोबारा से ऑन करती हूँ। ऑफर्स लगी हुई हैं काफ़ी सारी चीज़ों पर, और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे रेट्स में भी मिल रही हैं। रास्ते मुझे नहीं मालूम कि हम कहाँ से निकलते हुए कहाँ जा रहे हैं, लेकिन कुछ रास्ते समझने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा। और यहाँ कुछ मज़े मज़े की और चीज़ें भी हैं, और इसके अलावा कुछ कॉस्मेटिक्स वगैरह पे ऑफ भी लगा हुआ है, और कुछ 51% ऑफ है, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। और चेहरे पे कुछ नया ट्राई करना फ़ायदा नहीं है, है तो ये हमारा जैसा आजकल हमारे यहाँ बन गया है चीज़ मेट्रो प्याज इसी टाइप का है। बस यहाँ चीज़ें अच्छी क्वालिटी की होती हैं इसलिए। और मैं अब आपको फिर बैग से दिखाती हूँ कि कितना मज़े का लग रहा है सब कुछ। मैं जब कहीं किसी मार्ट अपने पाकिस्तान में भी जाऊं और जहां पे हो क्रॉकरी आइटम, और वहीं मैं पहुंच जाती हूं। क्यों? क्योंकि मेरी अम्मी को क्रॉकरी आइटम बहुत पसंद है और उनको ही देखकर मुझे भी बेहद पसंद है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं देखती रहूं। अभी तो सिर्फ देख ही सकते हैं क्योंकि ये वाला सामान ले जाना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ ऑरेंजेस हैं लेकिन ये अभी बहुत ही लो क्वालिटी है, इतने अच्छे मार्ट में ही रखे हुए भी अच्छे नहीं लग रहे। 10 रियाल्स की एक आइस क्यूब ट्रे नज़र आ रही है मुझे, जो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। अच्छा ये एग तो क्या, ये एग की ट्रे है, बहुत अच्छी है, 10 रियाल्स में बहुत अच्छे रेट्स में मिल रही है। और ये मेरी मम्मा का फेवरेट डिनर सेट है, और ये काश मैं लेकर जा सकती, और इस पर कुछ सेल भी लगी हुई है। ये 5 रियाल की एक प्लेट है और 10 रियाल्स का एक बाउल है। इसके अलावा ये जो है ये 4 रियाल्स का एक है, लेकिन सॉरी मम्मा मैं ले नहीं सकती, क्योंकि ले तो सकती हूँ लेकिन लेकर आ नहीं सकती इस तरीके से। बहुत अच्छी सेल लगी हुई है, कुछ आइटम्स पे तो बहुत अच्छी है, लेकिन तकरीबन जो है वो इस तरह के आइटम्स हैं जो हम यहाँ से लेकर पाकिस्तान ले जा सकते हैं। इनके यहाँ इस तरह मिक्स सारे फ्रूट्स की एक प्लेट एक ट्रे बनी होती है, ये 21 रियाल्स की है और काफ़ी प्यारी लग रही है, कलरफुल सी ट्रे है। और ये तो मुझे लेना ही है इंशाल्लाह। ये है 8-9 रियाल्स का, और मैं अभी जब इस व्लॉगिंग से फ्री होती हूँ तो इंशाल्लाह ये लेनी है।
इसके अलावा यहाँ पे भी रेट्स हैं और डिफरेंट प्राइसेस में हैं। ये 59 रियाल्स का है, 60 रियाल्स का। और यहाँ पे भी डेट्स हैं और ये 44 रियाल्स का लिखा है। ये तो बहुत ह्यूज है, बहुत। इसमें हर सेक्शन, हर चीज़ के सेक्शन बने हुए हैं, हर चीज़ का डिपार्टमेंट एक तरीके से सेक्शन, डिपार्टमेंट सारे सेक्शन अलग बना हुआ है। यहाँ पे जो है ये पानी की बॉटल्स बहुत अच्छी मिल रही है, 14 रियाल्स की है ये वाली। बस ये शायद ऐसा कुछ कह रहा है कि कुछ 5 रियाल में भी मिल रहा है, कुछ 10 रियाल में मिल रहा है, शायद यही कह रहे हैं। बैग्स हैं बहुत खूबसूरत, और टी शर्ट्स हैं, शर्ट है, हैंड बैग्स यहाँ होंगे लेकिन वो रहे। मुझे हैंड बैग्स बहुत पसंद है, तो मैं तो जब कोई ऐसी चीज़ है इस तरह का मैं एक अपने लिए थोड़ा ले चुकी हूँ यहीं से, वो भी चलते हुए पसंद आ गया था तो फॉरेन मैंने सोचा कि ले लिया जाए, इसलिए जो है वो फॉरेन ले लिया। लेकिन मुझे हैंड बैग सऊदीया के काफ़ी एक्सपेंसिव लगे, बट आई लव दिस वन। 131 रियाल्स का है ये, पाकिस्तानी तकरीबन 6000 मे बी, बट बहुत प्यारा लग रहा है। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मिल रहा है। यहाँ मेकअप से रिलेटेड कुछ चीज़ें मिल रही हैं, और यहाँ पे भी हैंड बैग्स हैं लेकिन एक्सपेंसिव ही होंगे। ये भी 131 रियाल्स का है, ये वाला भी 131 रियाल्स का है, ये बहुत प्यारा है, ये भी 131 रियाल्स का है। और यहाँ अच्छे स्कार्फ्स हैं लेकिन 21 रियाल्स के हैं और एक्सपेंसिव हैं काफ़ी। बहुत खूबसूरत सा मेकअप बॉक्स है, और पता नहीं कितने का है प्राइस लिखे हुए, और बहुत बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें हैं जिनको देखकर दिल करे कि बस उठा लिया जाए फौरन बिना टाइम वेस्ट किए। उसके अलावा ये भी बहुत प्यारा है, ये 94 रियाल्स का है, बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो चीज़ें एक्सपेंसिव हैं वैसे क्वालिटी वाइज 89 रियाल्स का, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है। हमारे यहाँ अच्छे मिल जाते हैं बैग्स वगैरह पर्सेस, ये 21 रियाल्स का है इतना सा। और मुझे लग रहा है कि मेरा जो यहाँ टाइम है ना वो बहुत
लगने वाला है, लेकिन ये मार्केट ख़त्म नहीं होगी, इतनी ह्यूज मार्केट है माशाल्लाह, और सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे, और हम देखते हैं कि कहाँ तक चल पाती हूँ और आपको दिखा पाती हूँ, क्योंकि तो सारे दरवाजे एक जैसे, सारी चीज़ें एक जैसी हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मैं वहीं का वहीं घूम रही हूँ। और हेडफोन हैं 21 रियाल्स के, ये 30 रियाल्स का मिल रहा है माइक विद स्पीकर, ये भी ऐसा है। यहाँ मोबाइल से रिलेटेड चीज़ें मिल रही हैं, पावर बैंक है, और उस तरफ चलते हैं, शायद उस तरफ एक जगह छोड़ कर आई हूँ मैं, वैसे तो खैर बहुत सारी जगह रह गई हैं लेकिन इतना शायद मैं ना दिखा पाऊँ। और ये मार्केट मैं ख़ुद फर्स्ट टाइम आई हूँ, लास्ट ईयर जब मैं आई थी तो नहीं आई थी, और तो मैंने सोचा कि क्यों ना दिखाई जाए उन लोगों को जो यहाँ नहीं आए हैं, और उन लोगों को जो आकर गए हैं और यहाँ की यादें जो हैं वो ताज़ा करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर देखें। न्यूबॉर्न के बहुत अच्छे मिल रहे हैं लेकिन बहुत एक्सपेंसिव हैं, 47.7 रियाल्स। और यहाँ पे लेडीज़ के इस तरह के ड्रेसेस होते हैं जो शायद ये लोग अपने घर में पहना करती हैं, तो उसके प्राइस पता नहीं क्या है, 47 रियाल्स का है। अबाए भी हैं लेकिन अबाए तो बहुत ही एक्सपेंसिव होंगे यहाँ। चीज़ें लेने के बाद मैं तो बैठ गई हूँ क्योंकि बहुत बड़ा मार्ट है और मैं तो घूम घूम के भी थक गई हूँ, पैरों में बहुत दर्द हो गया है, तो मैं बैठ गई और कुछ चीज़ें ली हैं वो मैंने अपने साथ रख ली हैं यहीं पर, और हस्बैंड जो है वो कुछ और भी देखने गए आपके लिए। तो आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, और ये मार्केट बहुत ह्यूज है, मैं आपको पूरी तो नहीं दिखा सकी लेकिन जितनी भी दिखा सकी, जो लोग यहाँ नहीं आए मैंने सोचा कि वो भी इंजॉय करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।